मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पालिका रायसेन की मंडीदीप को माना जाता है, क्योंकि इस नगर पालिका की सीमा में इंडस्ट्रीज एरिया लगा हुआ है। इसी इंडस्ट्रीज एरिया की मंडीदीप नगर पालिका के बुरे हाल है। यहाँ एक वृद्ध बुजुर्ग की परिस्थितियों से लड़ते लड़ते मौत हो गई। वृद्ध बंसीलाल मंडीदीप के वार्ड नंबर 12 की झुग्गी बस्ती में रह रहा था। उसके घर पर नगर पालिका द्वारा शौचालय निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जो कई महीनों से अधूरा पड़ा है। शौचालय के अधूरे निर्माण कार्य की वजह से वृद्ध घर में ही शौच करता था और उसको फेंकने के लिए बाहर ले जाता था। पड़ोसियों के अनुसार घर में वृद्ध बुजुर्ग और उसकी बुजुर्ग पत्नी रहती थी। वह कई दिनों से नगर पालिका के चक्कर काट रहे थे कि शौचालय निर्माण का कार्य पूरा कराया जाए, लेकिन नगर पालिका द्वारा किसी ने अभी तक बुजुर्ग की बात को नहीं सुना और बुजुर्ग इस समस्या से कई महीनों से लड़ता आ रहा था और बुजुर्ग की मौत हो गई। संवेदनहीन मानवता को एक बार फिर संसार किया गया, जहां 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री मंडीदीप में होंगे और संभवतः रायसेन जिले को ODF घोषित करेंगे। वहीं एक बुजुर्ग की मौत नगर पालिका से एक शौचालय निर्माण के लिए चक्कर लगाते लगाते हो गई। नगर पालिका में इस मामले पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। क्या नाम है? सुरेंद्र चौक से। कौन से वार्ड का क्या मामला है? वार्ड नंबर 12 का मामला है। इसमें एक वृद्ध है जो कि बहुत दिन से परेशान थे। इसके लिए 6 महीने से नगर पालिका में उन्होंने आवेदन भी दिए, सब चीज तरीके करा, लेकिन कोई नगर पालिका से उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पाई, जिसके चलते आज उनका स्वर्गवास होगा। बाकी ये कि नगर पालिका अगर ऐसा काम चलता रहेगा तो और आगे तक मालूम नहीं क्या होगा इस चीज़ का, तो आप ही अंदाज लगा सकते हैं, जनता खुद अंदाज लगा सकती है। नगर पालिका में जब से कांग्रेस की वो सरकार बनी है, जब से मंडीदीप का विकास, तो ऐसा लगता है इसे रुक ही गया है। क्या मामला है? यही मामला है साहब, लेटरिंग करते थे हम लोग, साफ करते थे, 2 साल से फॉर्म भरा था, आज तक लेटरिंग नहीं बनी, मर के चला गया, ठोकरा अभी तक नहीं बना, वो रो नहीं पा रही आंखें से, उसको गैस सिलेंडर नहीं मिला। नगर पालिका वाले कहते हम बनवा देंगे, हम लोग ने बोला चंदा करके बनवा देंगे, तो वो भी नहीं बोले। कब से अधूरा पड़ा है? अभी तो 1 महीना हो गया, एक दिन आए थे, एक दिन काम करके चले गए, बस दूसरे दिन आए नहीं, देखे नहीं। करोड़ों की नगर पालिका मंडीदीप में कम से कम नहीं तो 6 से 7 महीने से शौचालय अधूरा पड़ा हुआ। वो उनके घर में कोई वृद्ध हैं और एक अम्मा है, वो खुद डब्बे में लेटरिंग करके बाहर फेंकने जाते थे। बहुत ही शर्म की बात है, करोड़ों की नगर पालिका एक शौचालय नहीं बनवा पा रही है। किसकी लापरवाही? लापरवाही CMO की।